हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 15 से 31 मार्च 2022 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। टॉप 40 से ज़्यादा इस वीडियो में क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री हाल ही में किस राज्य में लगाया गया है। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री हाल ही में पंजाब के लुधियाना में लगाया गया है। तो ऑप्शन बी पंजाब इसका सही आंसर होगा। पंजाब के लुधियाना में यह ट्री लगाया गया है। दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। 200 यूनिट पर डे बिजली इसके द्वारा उत्पन्न की जाएगी। अगर बात करें दूसरे सोलर ट्री की दुनिया के, तो यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। दोस्तों, बात आई है पंजाब की, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे पंजाब की है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सह मान हैं। राज्यसभा की 7, लोकसभा की 13 है, यहाँ पर सीटें हैं। नृत्य की बात करें तो भांगड़ा गिद्दा राजकीय नृत्य है। स्तनपाई ब्लैक बक और डॉल्फिन यहाँ के स्तनपाई हैं। राजकीय पक्षी की बात करें तो बाज यहाँ का पक्षी है। फूल की बात करें तो ग्लैडियोलस यहाँ का फूल है। और वृक्ष की बात की जाए तो शीशम पंजाब का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवंत सह मान पंजाब के कौन से सीएम बने हैं। तो दोस्तों, भगवंत सह मान पंजाब के 17वें सीएम बने हैं। तो ऑप्शन डी 17वें इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये आप पार्टी से नाता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 हाल ही में किसे चुना गया है। तो मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना ब्लॉसवस्की को चुना गया है। तो ऑप्शन ए कैरोलिना इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड कौन है 2021, तो ये है कैरोलिना ब्लॉसवस्की। दोस्तों, ये पोलैंड की रहने वाली है। अगर बात करें 17वीं प्रतियोगिता की, 2019 में टोनी एनसह ने जमैका की जो है उनने जीता था। और एक और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें कि मानसा वाराणसी टॉप 13 में रही है भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो दोस्तों, इसकी मेजबानी चेन्नई करने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शतरंज ओलंपियाड भारत में होने वाला है और इसकी मेजबानी चेन्नई के द्वारा की जाएगी। दोस्तों, इसका यह 44वां आयोजन किया जाएगा। ये दोस्तों, यह पहले रूस में होना था लेकिन अब रूस की जगह चेन्नई में किया जाएगा। 2013 में विश्व चैंपियन बना था भारत और अब 2022 में भी चैंपियन बनने के पूरे आसार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 136वां स्थान है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, भारत का 136वां स्थान है। इससे पहले भारत 139वें स्थान पर था। बात करते हैं पहले स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन बी यूके इसका सही आंसर होगा। यूके का फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम होता है, जैसा कि आपको पता है। दोस्तों, यह भारतीय एयरफोर्स इसमें शामिल हुई है। अजय वॉरियर भारत और यूके में की जाती है। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं तो वज्रपहार भारत और यूएसए के बीच की जाती है। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच की जाती है। गर्ण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच एक्सरसाइज की जाती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हुई, इनके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दौरे पर किस देश के प्रधानमंत्री आए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के दौरे पर आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें भारत और जापान के 70 साल रिश्तों को पूरे हुए हैं, इसी के लिए प्रधानमंत्री जो हैं जापान के वह भारत की दौरे पर आए हैं। इन्होंने 5 साल में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है और यह भारत की और जापान की 14वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे हैप्पी राज्य हाल ही में कौन सा चुना गया है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को भारत का सबसे हैप्पी राज्य चुना गया है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। इसके बाद पंजाब है और उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है सबसे हैप्पी राज्यों में। अगर बात करें दोस्तों सोशल सपोर्ट में, तो लद्दाख को सोशल सपोर्ट में सबसे आगे रखा गया है। उदारता में उत्तराखंड को सबसे आगे रखा गया है। दोस्तों, बात आई हिमाचल प्रदेश की, ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। भारत के मैप में स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई थी। शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरकेलर हैं।
दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यसभा की 3, लोकसभा की 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें स्तनपाई की तो हेम तेंदुआ यहाँ का स्तनपाई है, पक्षी पश्चिमी ड्रैगोफोन यहाँ का पक्षी है। मछली की बात करें तो सुनहरी महासीर हिमाचल प्रदेश की राजकीय मछली है। फूल की बात करें तो गुलाबी रेट्रोडन यहाँ का फूल है। बात करें फल की तो सेब हिमाचल प्रदेश का राजकीय सेब है। और पेड़ की बात करें तो देवदार यहाँ का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो दोस्तों देश की सबसे लंबी सुरंग उत्तराखंड में बनाई जा रही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के देवप्रयाग और लक्ष्मौली के बीच 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जो देश की सबसे लंबी सुरंग होगी। बात आई उत्तराखंड की तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। राजधानी देहरादून और गढ़सैंण ये दोनों राजधानी हैं। गवर्नर गुरमीत सिंह हैं, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। वाद्य यंत्र ढोल है, स्तनपाई अल्पाइन कस्तूरी मृग है। पक्षी की बात करें तो हिमालय मोनाली यहाँ का राजकीय पक्षी है। गोल्डन महासीर यहाँ की राजकीय मछली है। बटरफ्लाई की बात करें तो बेस्ट हिमालयन कॉमन पीकॉक ये बटरफ्लाई है। राजकीय फूल ब्रह्म कमल यहाँ का राजकीय फूल है। पेड़ की बात करें तो बुरांसो और खेल फुटबॉल है, जो हिमाचल उत्तराखंड का राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। 2013 से यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की शुरुआत की गई है। दोस्तों इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वह कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड, ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को चुना गया है, तो ऑप्शन डी नारायण प्रधान इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें जीडी बिरला पुरस्कार के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और ये जीडी बिरला अवार्ड ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों नागालैंड राज्य में ई विधान एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बताइए नागालैंड की लोकेशन भारत के मैप में आप नागालैंड को देख पा रहे होंगे। इसका गठन 1 नवंबर 1963 में किया गया था। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। राजधानी कोहिमा है। राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 1 सीट है नागालैंड में। आदर्श वाक्य एकता है, यूनिटी यहाँ का आदर्श वाक्य है। स्तनपाई की बात करें तो मिथुन और पक्षी की बात करें त्रिगोपन यहाँ का पक्षी है। बात करें मछली की तो चॉकलेट महासीर राजकीय मछली है नागालैंड की। फूल रेडोडैगन है और पेड़ अल्डर यहाँ का राजकीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें इस बार इसकी जो थीम है वह ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये थीम रखी गई है विश्व जल दिवस की और ये 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ये 12वें सीएम होंगे उत्तराखंड के। अभी तक उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। LAMITIYA यानी लेमेंतेई युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये युद्ध अभ्यास भारत और शीशल्स के बीच आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालदीप स्पॉट आइकन अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो हमारे खिलाड़ी रोहित सुरेश रैना को, दोस्तों सुरेश रैना को मालदीप का स्पॉट आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आईपीएल 5000 रन करने वाले एक पहले खिलाड़ी हैं। दोस्तों T20 में 8000 रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन अब इन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQR के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों IQR के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बताई गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार चौथी बार दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों दूसरे नंबर पर ढाका बांग्लादेश की राजधानी, ये दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। यूएन के द्वारा यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी यूएन के ही द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रमेश चंद्र लोहाटी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों ये एससी चीफ जज थे, भारत के पहले एससी चीफ जज थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो एससी कैटेगरी से थे। दोस्तों 2004 से 2005 तक ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों एसले बार्टी ये टेनिस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, 2021 की विंबलडन विनर भी ये रह चुकी है, 11 साल के करियर में 15 सिंगल्स और 12 डबल्स ये जीत चुकी हैं और अब संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें, इस दिवस की स्थापना 1950 में की गई थी और 2022 में इसकी जो थीम है वह है अर्ली वार्मिंग अर्ली एक्शन, ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तलित युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों दस्तलित युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका यह तीसरा संस्करण है जिसका आयोजन यांग्यारिक उज्बेकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब तक टीवी फ्री देश बनेगा? तो दोस्तों भारत 2025 तक टीवी फ्री देश बनने की कगार पर बैठा है, यानी कि दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि भारत को 2025 तक टीवी फ्री घोषित किया जाएगा। ये दोस्तों ये देखने वाला टीवी नहीं, ये रोग वाला टीवी है। हेल्थ मिनिस्टर हैं जो हमारे मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। दोस्तों क्षय रोग दिवस या टीवी रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी वैक्सीन का नाम बैसेलस ग्वेरिन है और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वह इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स, ये रखी गई है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो दोस्तों बायजू को हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर चुना गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो फीफा वर्ल्ड कप है यह कतर में 2022 में होने वाला है। इसका जो स्थापना है, दोस्तों बायजू की बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बायजू के जो फाउंडर हैं वह बायजू रविंद्रन हैं और इसकी जो डायरेक्टर हैं वह दिव्या हैं। तो इतना आपको बायजू के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण अवार्ड पाने वाले भारत के पैरा खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों देवेंद्र झाझरिया ये भारत के पहले पैरा खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। दोस्तों 2004 ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जिताया था और 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जिताया था। वहीं बात करें 2020 के टोक्यो ओलंपिक भी तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये भाला फेंकते हैं, आपको इतना जरूर याद रखना है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मैच किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों इसके मैच इंदौर में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इंदौर। सचिन, लारा, युवराज सिंह जैसे बहुत महान खिलाड़ी इस वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लेंगे। सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड केलेरा सोला को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, केलेरा सोला। दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला का ये बेस्ट अवार्ड है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कलर अवार्ड 2022 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो INS बलसुरा को, INS बलसुरा को राष्ट्रपति कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री। दोस्तों सबसे बड़ी मिलिट्री अवार्ड होता है ये राष्ट्रपति कलर जो अवार्ड है, यह भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड होता है जिसकी शुरुआत 1951 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। दोस्तों ये सेकेंड टाइम इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही दो उप मुख्यमंत्रियों ने भी इनके साथ शपथ ली है। दोस्तों बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए आपको मैप में उसके बारे में बता दें। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे,
उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। राजधानी लखनऊ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा की हैं। स्तनपाई की बात करें तो बारहसिंह, पक्षी सारसक्रेन, फूल पलाश और वृक्ष सीता अशोक, ये प्रमुख राजकीय फूल वृक्ष पक्षी और स्तनपाई के हैं उत्तर प्रदेश के। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये वीडियो देखना ना भूलें और ये ऐसे फैक्ट बिल्कुल रट लें, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु खंडूरी किस राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ये है उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों शशि सिन्हा को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पुनीत गोयनका की जगह इन्हें इसका जो अध्यक्ष है बनाया गया है। दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को हम BARC यानी बार्क के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों टोगो के गिल्बर्ट हवांग हो को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों ये गाय राडार की जगह लेने वाले हैं, इनका कार्यकाल 5 साल तक का होने वाला है। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका जो स्थापना है वह 1919 में की गई थी और ये UN की सबसे पुरानी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका महानिदेशक हाल ही में टोगो के गिल्बर्ट हवांग हो को बनाया गया है। बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। 2022 में बिम्स्टेक का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 5th बिम्स्टेक सम्मेलन होगा ये। प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। आपको बता दें पहला जो बिम्स्टेक का आयोजन है वह थाईलैंड में किया गया था। इसके बाद जो लास्ट है वह 2018 में नेपाल में किया गया था और अब 2022 में श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद रत्न अवार्ड 2022 हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों सांसद रत्न अवार्ड हाल ही में कुलदीप राय शर्मा को दिया गया है। तो ये अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा कुलदीप राय शर्मा, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का कौन सा संस्करण हाल ही में लगाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा 35वां। हाल ही में 35वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का लगाया गया है। दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में ये मेला लगाया जाता है, इसका यह 35वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा कौन सी मिसाइल विकसित की गई है? तो MRSAM, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। MRSADM नाम की मिसाइल DRDO के द्वारा हाल ही में विकसित की गई है। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसे DRDO तथा इसराइल की स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों 2021 में DRDO ने कुछ और मिसाइलें बनाई थी, उनके बारे में भी आपको बता दें। तो प्रलय जो सतह से सतह पर मार करती है ये भी बनाई थी। सेंट SANT स्टैंड ऑफ एंटी लॉक मिसाइल, ये भी DRDO के द्वारा बनाई गई थी। स्मार्ट लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल, ये भी DRDO के द्वारा 2021 में बनाई गई थी। बात आई है DRDO की, तो चलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बताते हैं। DRDO जिसे हम डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो बलस मूलम विज्ञानम इसका मोटो है और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके चेयरमैन है। तो इतना आपको DRDO के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो PV सिंधु ने स्विस ओपन खिताब हाल ही में जीता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सेकंड इंडियन है जिन्होंने यह स्विस ओपन खिताब जीता है। इससे पहले साइना नेहवाल ने 2011-12 में ये अवार्ड अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी दिवस मध्य प्रदेश में किस तारीख को मनाया जाएगा? तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी दिवस मध्य प्रदेश में 2 मई को मनाया जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई है कि लाडली लक्ष्मी दिवस
प्रदेश में 2 मई को मनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनकी संभावना आपको कम लगती है या लगता है कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा स्पेस से कचरा हटाने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम नेत्रा है जो इसरो के द्वारा चलाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसके द्वारा भारत स्पेस में जितना भी कचरा है वह हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMACS 2022 नाम की एक्सरसाइज किस भारतीय सेना के द्वारा की गई है? तो दोस्तों IMACS नाम की एक्सरसाइज भारतीय नेवी के द्वारा की गई है, ऑप्शन बी भारतीय नेवी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारतीय नेवी ने IMACS नाम की 2022 में एक एक्सरसाइज की है, गोवा में इसका आयोजन किया गया है जिसमें 15 से 25 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटीज इंडिया ग्रुप को किसने खरीदा है? तो दोस्तों सिटीज इंडिया ग्रुप को हाल ही में एक्सिस बैंक ने खरीदा है, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बात आई एक्सिस बैंक की, तो चलिए आपको इसके बारे में बता दें, इसका जो स्थापना है वह 1993 में की गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो MD और CEO है वह अमिताभ चौधरी हैं, और चेयरपर्सन की बात करें तो राकेश मखीजा इसके चेयरमैन हैं। दोस्तों 2022 के ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, नए अवार्ड हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी है, पूछा ही जाएगा, किसी न किसी जब भी एग्जाम चलते हैं उसमें पूछा ही जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले करंट अवार्ड यानी 2022 में कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो 94वें अवार्ड दिए गए हैं एंड 94th अवार्ड दिए गए हैं। कंट्री की बात करें तो यूएसए से ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसको जो प्रेजेंट करता है वह है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। फर्स्ट अवार्ड 16 मई 1929 में दिए गए थे। दोस्तों जो 2022 की बेस्ट फिल्म वह है कूड़ा को चुना गया है। बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ जो किंग रिचर्ड फिल्म है इसके लिए इन्हें दिया गया है। जेसिका चेस्टन को द आई ऑफ टेम्फॉय फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल ये डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर चैन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बता दें आपको, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टॉय कोटसुर को चुना गया है कूड़ा फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरियाना डीबॉस को बेस्ट स्टोरी के लिए चुना गया है। वहीं बेस्ट एनिमेशन फिल्म एनकांटो के लिए दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों 2021 के अवार्ड के बारे में भी आपको बता दें, ये भी पूछा जा सकता है। तो बेस्ट फिल्म नोवाडलैंड को चुना गया था, बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस को चुना गया था और बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस डोरमांड को चुना गया था। तो 2021 के भी अवार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की मार्च करंट अफेयर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्टडी यूनिवर्स।